हम देखें। प्रश्न क्रमांक ए, संख्या दो निम्न में से किसकी वर्ग संख्या है? चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है एक, बी है 1.25, सी है 1.5 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न के लिए ये चार विकल्प दिए गए हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमें प्रश्न को भली भांति समझते हुए पढ़ना चाहिए, फिर विकल्पों को भी ध्यानपूर्वक समझते हुए पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात हमें उस विकल्प का चयन करना चाहिए जो कि इस प्रश्न की पूर्ति करता हो। तो देखिए, संख्या दो के बारे में कहा गया है कि वह किसकी वर्ग संख्या है, यानी इन यहाँ जो विकल्प में दी गई संख्या है उनमें से वह किसकी वर्ग संख्या है। तो हम देखेंगे कि संख्या दो जो है वो ना तो एक की वर्ग संख्या है और ना ही 1.25 की वर्ग संख्या है और ना ही 1.5 की वर्ग संख्या है। वह इन तीनों में से किसी की भी वर्ग संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकल्प नंबर डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी संख्या नहीं है जिसकी वर्ग संख्या दो हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में विशेष तौर से पूछा यह गया है कि जो दो है वो जिसकी भी वर्ग संख्या है मान लिया जाए तो वह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ये दो किसकी वर्ग संख्या इन दोनों में से हल करके देख लेते हैं। जैसे एक है मान लो, तो जब हम एक को हल करेंगे तो एक गुणा एक, एक का वर्ग है ना, इस प्रकार करेंगे तो एक गुणित एक अर्थात एक ही आएगा जबकि दो नहीं आ रहा है। इसी तरह 1.25 का यदि हम वर्ग कर दे तो 1.25 गुणित 1.25 गुणा करके देखें, इनका गुणनफल क्या जाएगा, 1.5625। तो क्योंकि ये दो नहीं आया है इसलिए ये 1.25 की वर्ग संख्या दो नहीं होगी, इसकी वर्ग संख्या जी होगी। ठीक है, तीसरा क्या है 1.5, तो इसको भी हम गुणा करके देख लेते हैं, 1.5 गुणित 1.5। ठीक है, करें गुणा, क्या आया 2.25 आ रहा है, 2.25 जो कि दो से बढ़ गया, इसलिए 1.5 की वर्ग संख्या दो नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, जब तो जिस भी संख्या की वर्ग संख्या होगी तो वो संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः हम दो जो है इसके वर्गमूल को कर्णी दो लिख सकते हैं और कर्णी दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम पहले दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं, इसके पश्चात आपको आगे बताएंगे। प्रश्न दो क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होती है जो नंबर ए अशांत आवर्ती संख्या हो, नंबर बी अशांत तथा अनावर्ती संख्या हो, नंबर सी उक्त दोनों तरह की हो और नंबर डी उक्त दोनों तरह की न हो। अब इस प्रश्न को भी हम भली भांति पढ़ ले, समझ लें कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न यही कह रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, क्या वह संख्या अशांत आवर्ती संख्या होगी तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, या अशांत तथा अनावर्ती संख्या हो तो हम उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, या दोनों तरह की संख्याओं को कहेंगे, या दोनों तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो देखिए इसमें उत्तर आएगा बी, अशांत तथा अनावर्ती संख्या यदि कोई होती है तो वही अपरिमेय संख्या भी होती है। चलिए इसको समझ देते हैं आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं, यहां पर पहला विकल्प क्या है, अशांत आवर्ती संख्या। मान लिया जाए एक संख्या है 0.16 और दोनों के ऊपर आवर्त लगा है, यह एक अशांत आवर्ती संख्या है, अर्थात 0.16161616 इस प्रकार इनका दोहराव होते रहेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे अशांत आवर्ती संख्या। तो देखिए यह एक परिमेय संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको हल कर लेते हैं। चलिए इसको एक परिमेय संख्या के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यदि मान लो हम 0.16 आवर्त को हम परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में अव्यक्त करें तो पी बटे क्यू बराबर 0.16 आवर्त के रूप में लिख सकते हैं और यह हो जाएगा तुम्हारा समीकरण नंबर एक। अब देखिए समीकरण नंबर एक ये हो गया,
अब हम इस संख्या को 0.16 आवर्त को परिमेय संख्या बदलने के लिए कुछ प्रक्रिया करेंगे। तो यह एक समीकरण नंबर एक जो है, इसके दोनों पक्षों में हम यदि 100 का गुणा कर दे तो इस समीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए हम लिखेंगे यहां पर समीकरण एक के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए तो P बटे क्यू में 100 का गुणा, तो 100 P बटे क्यू आ जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा 16.16 आवर्त आ जाएगा, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो दशमलव जो है दो अंक इधर खसक जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा अगला समीकरण, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं ये समीकरण नंबर क्या हो गया, तुम्हारा 2 हो गया, ठीक। अब समीकरण नंबर 2 हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे समीकरण 1 से 2 को, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 पी बटे क्यू बराबर 16.16 आवर्त, यहां पर आ जाएगा पी बटे क्यू बराबर 0.16 आवर्त। तो हम जब घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे इनके, है ना, तो घटाएंगे तो यहां का जाएगा 99, क्योंकि 100 पी बटे क्यू में से 1 पी बटे क्यू घटेगा तो 99 पी बटे क्यू आ जाएगा बराबर, यहां जब हम घटाएंगे तो यहां जाएगा केवल 16, क्योंकि आवर्त 0.16 आवर्त में से 0.16 आवर्त घट जाएगा, केवल 16 बचेगा। तो इस तरह हमारे क्या आ गया, 99 पी बटे क्यू बराबर 16। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे 99 का, तो पी बटे क्यू बराबर 16/99। तो यहां देखेंगे 16 जो 99 है, यह एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अर्थात असार्थ आवर्ती जो संख्या होती है वह एक परिमेय संख्या ही होती है, वह अपरिमेय संख्या नहीं होती। हम दूसरा जो विकल्प देख लें कि असार्थ तथा अनावर्ती संख्या हो, जो कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर है, इसको भी देख ले, व्हाइट बोर्ड को हमने इरेज कर दिया। देखिए अशांत तथा अनावर्ती संख्या, मान लिया जाए एक ऐसी संख्या है, उदाहरण के लिए 0.10100100100100100, इस तरह से कहना चाहिए, वो संख्या है अशांत है तथा अनावर्ती भी है, यानी किसी भी चीज किसी भी का भी दोहराव नहीं होता है। या देखिए यह अशांत है क्योंकि इसके आगे इस प्रकार 100000 ऐसे मतलब आगे बढ़ते, इस तरह की संख्या हमें प्राप्त होगी, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। और जब ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो इन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो साथियों इन दोनों प्रश्नों को हल करके बताने का उद्देश्य यह है कि आज के इस कालखंड में हम आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, है ना, और इनकी अवधारणा को किस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है, इस संदर्भ में आपको बताएंगे। तो साथियों इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखिए ताकि आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों अभी हमने उदाहरण देखे, अब हम अपरिमेय संख्याएं जिन्हें की अंग्रेजी में कहा जाता है इरेशनल नंबर्स, इनके बारे में जानते हैं। साथियों यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो निश्चित तौर से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों इसके बारे में हमको जो बेसिक जानकारी वो होनी चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या नहीं हो, या ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में अव्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि इस व्हाइट बोर्ड में आपको मैंने पढ़ के बताया कि ऐसी संख्याएं जिनका
वर्गमूल यदि एक पूर्णांक संख्या नहीं होती, ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू अर्थात परिमेय संख्याओं के रूप में अव्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए हमारे पास में कर्णी 3 दिया हुआ है, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में अव्यक्त नहीं कर सकते और यह एक पूर्णांक संख्या भी नहीं है, अतः इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा है उदाहरण, संख्या 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग संख्या नहीं हो सकती। साथियों जैसा कि अभी आपको मैंने उदाहरण के माध्यम से भी बताया था, है ना, तो देखिए जो संख्या 2 है वो किसी भी संख्या की वर्ग संख्या नहीं हो सकती, अर्थात ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जिसमें उसका उसी में गुणा करने पर 2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए इसको यहाँ हल करके बताया गया है, क्योंकि यदि मान लो हम 1 × 1 करते हैं, 1 × 1 करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग लिख सकते हैं इसको, और जब 1 का वर्ग लिख सकते हैं अतः हम 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, जो कि 2 नहीं आ रहा है, अतः हम 2 का वर्गमूल 1 नहीं मान सकते, ये 1 नहीं है। और देखिए आगे बताया गया है कि यदि मान लो हम 2 लेते हैं, तो हमने 2 लिया तो 2 × 2 अर्थात 2 का वर्ग हुआ, अर्थात 2 × 2 अर्थात 4, है ना, 4 आ गया, जबकि 4 2 से बड़ा है और जो 4 है कहना चाहिए वो 2 का वर्गमूल हो ही नहीं सकता। तो अब इनको हल करने के बाद ये देखते हैं कि या इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि 2 एक धन परिमेय संख्या का वर्ग है, है ना, 2 मान लिया जाए कोई एक धन परिमेय संख्या, उसका मान लो एक वर्ग है ये 2, है ना, तो यह परिमेय संख्या जिसका वर्ग 2 है एक पूर्णांक बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अवश्य वह 1 से बड़ी होगी। हमने इन उदाहरणों को हल करके बताया, जैसे हमने 1 × 1 किया तो 2 नहीं आ रहा है, अर्थात कुल मिला के 2 का वर्गमूल 1 नहीं है और ना ही 2 का वर्गमूल 4 है। तो परंतु हम ये देखते हैं कि निश्चित तौर से जो 2 का वर्गमूल जो है कहना चाहिए वो निश्चित ही 1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे इसको समझते हैं और पढ़ते हैं आगे। इसी तरह संख्याएं 3, 5 और 7 भी किसी परिमेय संख्याओं के वर्ग नहीं है। देखिए 3 को ले लें, 5 को ले लें या 7 को ले लें, तो हम इनके वर्गमूल निकालेंगे जब, तो उनके वर्गमूल जो है वो एक धन पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि मान लिया जाए हम 1.5 × 1.5 भी हल करते हैं तो भी 3 नहीं आएगा। चलिए हल करके देख लेते हैं, 5×25 = 5 हासिल का 2 और 5×5 = 2 = 7, फिर 1 अंक छोड़ देंगे कायम, 1×5 और 1×1 जोड़ देंगे दोनों को तो 5 × 12 = 2 हासिल का 2, यहां पर देखिए जाएगा 2 अंक के पूरा, हमको दशमलव लगाएंगे तो क्या जाएगा 2.25 आएगा। जब 2.25 आएगा तो यहां पर देखिए ये 3 से छोटा है, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए 3 का भी जो वर्गमूल है वो 1.5 नहीं है। तो साथियों यदि हम उसको वर्गमूल निकालना है 3 का, 5 का या 7 का, तो हम सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 3 को कर्णी के अंदर लिखेंगे और यही इसका वर्गमूल होगा। 5 के बारे में भी हम 5 के ऊपर कर्णी लगा देंगे तो यह 5 का 5 जो है इसका वर्गमूल होगा, या 7 जो है 7 भी 7 का वर्गमूल होगा। तो इस प्रकार कर्णी के अंदर जो संख्याएं लिखी होंगी वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है और ना ही परिमेय संख्याएं, अतः ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं हम, दैनिक जीवन में दूरी हो, भार हो या लंबाई हो, कोई भी दूरी है मान लो लंबाई है या वजन या भार जो है, के माप के लिए हम बहुधा यानी अक्सर परिमेय संख्या जैसे कि 2 × 1/2 अर्थात 2.5 मीटर की बात कर ले, 5 × 1/4 किलोग्राम यानी 5.25 किलोग्राम की बात कर ले, या 1/2 लीटर यानी आधा लीटर की हम बात कर ले, तो इनका हम प्रयोग करते हैं, है ना। परंतु ऐसी भी लंबाइयां होती हैं या भार होते हैं जिनको अपरिमेय संख्या के रूप में अव्यक्त हम नहीं कर सकते, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसको हम एक और उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं।
उदाहरण लिखा है बोधायन साध्य। बोधायन साध्य के बारे में आप भली बात ही जानते हैं, जिसे कि हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज में यदि आधार का वर्ग यानी समकोण त्रिभुज का आधार और फिर धान उसमें जोड़ दे लंब का वर्ग, यानी आधार के वर्ग में लंब का वर्ग को जोड़ दे तो जो उसका कर्ण है कहना चाहिए, तो वो कर्ण निकल आता है, कर्ण का वर्ग होता है। तो यह सूत्र है कहना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। अब देखिए, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन सूत्र को हमने यहां पर पढ़ लिया, अब इसको हम हल करके देखते हैं। देखिए यहां पर यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है और उसका लंब भी 1 सेंटीमीटर है, तब उसका कर्ण क्या होगा वो निकाल के देखते हैं। तो देखिए, यदि हमारे पास आधार दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का वर्ग धन लंब भी 1 दिया तो 1 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। अब चलिए इसको हल करते हैं। 1 का वर्ग बराबर 1 गुणित 1 धन, यहां पर 1 का वर्ग बराबर 1 गुणित 1 बराबर कर्ण का वर्ग, यही बात है, ठीक है। अब 1 गुणित 1 यानी 1 आ जाएगा धन, 1 गुणित 1 यानी 1 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। अब 1 और 1 को जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, 2 बराबर कर्ण का वर्ग। अब हमको कर्ण बराबर निकालना है, मान लिया जाए तब हमको 2 का वर्गमूल निकालना होगा, और हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण एक पूर्णांक के रूप में उसका भाव व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लिखना पड़ेगा, कर्णी 2। तो कर्णी 2 बराबर कर्ण, और यहां पर कर्णी 2 जो है जी, ये एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि आपको मैंने समझाया। साथियों, मुझे आशा है कि आपको ये जो जानकारी समझ में अब आ गई होगी। चलिए अब हम इन अपरिमेय संख्याओं को दशमलव में निरूपण करना सीखते हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों देखें, यहां पर व्हाइट बोर्ड में अपरिमेय संख्याओं का दशमलव में निरूपण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि हम मान लो 2 के वर्गमूल की हम बात करें तो कर्णी 2 होगा, या 3 के वर्गमूल की बात करें तो कर्णी 3 होगा इसका वर्गमूल। तो ऐसी संख्याओं को हम किस तरह से दशमलव किस प्रकार निरूपित होती हैं उनको समझते हैं यहां पर। तो देखिए, यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही उदाहरण नंबर 2 में आपको बताया था कि कौन सी संख्याएं या कौन से दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, तो वे दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, अर्थात वे भाग क्रिया में शांत नहीं होती और उसमें कोई भी संख्या का दोहराव नहीं होता, अर्थात किसी भी जो कोई भी जो अंक है कहना चाहिए उस पे आवर्त नहीं लगता, उसका दोहराव नहीं होता, अर्थात संख्या कैसी हो, अनावर्ती हो। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण देख लें यहां पर, जैसे यहां दिया है कर्णी 2 जो कि 2 का वर्गमूल होगी, जब हम इसको दशमलव के रूप में निरूपित करेंगे तो वो होगा 1.414, इस तरह से आगे संख्याएं आते जाएंगी। इस तरह हम कर्णी 3 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, 1.732, और आगे इस तरह से किसी भी अंक का दोहराव नहीं होगा और आगे जो है संख्या वो दशमलव के रूप में बढ़ते जाएगी, ठीक है। और इसी तरह कर्णी 5 को जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2.236, इस तरह से आगे कहना चाहिए, अंकों का बिना दोहरा हुए ये बढ़ते चलेंगे। तो साथियों, ऐसी संख्याओं को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, और ये संख्या को क्या होती है, अशांत भी है यानी पूर्ण रूप से भाग क्रिया समाप्त नहीं होती, और अनावर्ती भी, इसमें किसी भी अंग का दोहराव एक क्रम से नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इन निरूपणों में हम देखते हैं कि दशमलव निरूपण न तो शांत है, यहां देखिए, न तो ये शांत हो रहा है,
और न ही यहाँ आवर्ती, ऐसा किसी भी अंग का दोहराव नहीं हो रहा है, एक निश्चित क्रम से दोहराव नहीं हो रहा है। इसलिए इस तरह दशमलव संख्या है, जैसे कि 0.1211211211211211212, इस तरह से कहना चाहिए अगर दोहराव होते चलता है। या यहाँ पर देखेंगे 0.3000300000300000, तो इसी क्रम में अगर इनका दोहरा होता रहेगा तो ऐसी संख्याओं में हम देखते हैं ना तो ये शांत हो रही है, मिला के अशांत है, और ना ही आवर्ती है। निश्चित तौर से यहाँ पर किसी भी अंग का एक निश्चित क्रम में दोहराव नहीं हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे 3 के बाद 0000 तीन बार शून्य आया, फिर आया 3, फिर क्या आएगा 0000, ये 4 बार शून्य आ गया। तो यहाँ देखते हैं कि किसी भी अंग का जो दोहराव है वो एक निश्चित क्रम में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 3 लिखने के बाद 3 बार शून्य आया, फिर 3 आया, फिर 4 बार शून्य आ गया, फिर 3 आया, फिर 5 बार शून्य आया, तो इस तरह फिर 3 आएगा, इस तरह 6 बार शून्य आएगा, इस तरह कहना चाहिए ये प्रक्रिया जो है वो शांत होगी ही नहीं, और ना ही किसी एक अंग का निश्चित क्रम में दोहराव हो रहा है। इसलिए कोई भी यहाँ पर आवर्ती अंक नहीं है, अनावर्ती अंक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो साथियों, आपने आज इस वीडियो में अपरिमेय संख्याओं के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की है। मुझे आशा है कि आज का जो यह वीडियो है आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा, और आपकी कोई भी यदि प्रतियोगिता परीक्षा है इससे संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो निश्चित तौर से आप उन्हें हल कर पाएंगे, ऐसी आशा है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप मेरे YouTube चैनल RF कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना न भूलिए। अगले वीडियो में किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।